प्राथमिक विद्यालयों में तैनात रसोइयों के परिवार भुखमरी की कगार पर हैं। होली पर्व पर भी उन्हें मानदेय नहीं मिला। उधर बिना किसी कारण की रसोइयों को कार्य मुक्त कर दिए जाने से उनमें रोष बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को रसोइयों ने संबंध में डीएम विशाल भारद्वाज से मिलकर समस्याओं से अवगत कराया। प्राथमिक विद्यालय रसोइया वेलफेयर एसोसिएशन की प्रांतीय संयुक्त सचिव संजू तिवारी ने बताया कि ब्लॉक मचरेटा कंपोजिट विद्यालय में दो रसोइयों उषा देवी व राजेंद्र प्रसाद को निकाल दिया गया है। ये काफी समय से काम कर रहे थे और इनकी कोई शिकायत भी नहीं थी। इस मौके पर उषा, राजेंद्र सहित कई रसोइयां मौजूद रहे। संजू तिवारी ने आई इंडिया को बताया। इसके पहले हमने ज्ञापन के माध्यम से 7/3/2022 को डीएम साहब को अवगत कराया था कि हमारी जो कंपोजिट विद्यालय की रसोइयाँ निकाल दी गई हैं उनको काफ़ी समय से काम भी कर रही थी, लेकिन इस वक्त जब से कंपोजिट विद्यालय हुआ उसमें हेडमास्टर ने इनको निकाल दिया है। आज तक ना ही पैसा मिला ना ही इनको रखा जा रहा है। फिर भी इनकी 7/3/2022 को जो हमने दिया था उसकी आज कार्रवाई नहीं है। आज हमने इसी विषय को लेकर डीएम साहब से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द कार्रवाई करके वो उचित न्याय दिया जाएगा। मेरा नाम संजीव तिवारी, मैं प्राथमिक विद्यालय रसोइया वेलफेयर एसोसिएशन प्रांतीय संयुक्त सचिव। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।